जी बिल्कुल, पेशावर में नवे मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में 19 छोटे बड़े जुलूस जो है वो आज बरामद होंगे। इनमें से दो जो है बड़े जुलूस जो है वो आज बरामद होंगे। जो सबसे बड़ा और मरकज़ी जुलूस है वो इमाम बारगाह हुसैन या हाल सदर से बरामद होगा, जो कि अपने कदीम रिवायती रास्तों जो है वो फ़ख्र आलम रोड, कालाबाड़ी और फारा चौक से होता हुआ इसी इमाम बारगाह पर जो है वो अख्तिताम पजीर होगा। इस जुलूस में जो है वो कसीर तादाद में आज़ादार हुसैन जो है वो शिरकत करते हैं और जुलूस के दौरान वो अख्वानी और सीना को भी करते हैं। इस जुलूस के लिए जो है वो तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। यहाँ पर जो है रेस्क्यू की टीमें भी पहुँच चुकी है, जबकि इसके साथ साथ जो दीगर मुतलका इदारे हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी है और उन्होंने तमाम तर इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए हैं। जबकि इसके साथ साथ जो SOPs के तहत ये जुलूस निकाला जा रहा है, तो यहाँ पर जो है वो जरासीम कुश स्प्रे भी किया गया है और उन जरासीम कुश स्प्रे किया जा रहा है, जबकि इसके साथ साथ सैनिटाइज़र की स्प्रे भी जो है वो भी की जा रही है। जबकि जो जुलूस के शुरका है उनको हदायत की गई है कि वो SOPs का ख़ास ख्याल रखें और मास्क का इस्तेमाल करें, जबकि सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल करें। यहाँ पर जो है वो इमामिया स्टूडेंट की जानिब से जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के कैंप लगाए गए हैं। यहाँ पर ब्लड बैंक भी जो है वो बनाया गया है, जबकि इसके साथ साथ आज़ादारान को जो है वो मेडिकल रिलीफ देने के लिए यहाँ पर मेडिकल कैंप भी लगाया गया है। तो इस वक्त जो इस जुलूस के लिए जो है वो तमाम तर इंतज़ाम जो है वो मुकम्मल किए जा चुके हैं और जैसा कि मैंने ये बता दिया है कि ये जुलूस जो है वो अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ वापस इसी इमाम बारगाह पर ख़त्म होगा। जुलूस के शुरका जो है वो कालाबाड़ी में जो है वो नमाज ज़ुहरैन अदा करेंगे और इसके बाद जो जुलूस है फिर अपनी रास्तों पर रवा दवा होगा और नमाज असर से पहले जो है वो इसी इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। जी।